गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं नील जांगिड। इरादे हो मजबूत तो रास्ते मिल ही जाते हैं, चलते रहो मन में जीत लेके किनारे मिल ही जाते हैं। चलो देखते हैं आज चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी देखेंगे अपन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पर क्वेश्चनों की, तो मैं लेके चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन पर कि चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था। तो यह पहले लॉन्च किया जाने वाला था 22 जुलाई को, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम के कारण इसे लॉन्च किया गया 22 जुलाई को। पहले लॉन्च किया जाने वाला था 15 जुलाई को, लेकिन फिर क्या कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई दोपहर 2:43 पर। चलो आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो यह प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रयान मिशन 2 को किस संस्था ने लॉन्च किया? ये भी लॉन्च किया इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म देखो भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करूँ तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। अगर फाउंडर की बात करूँ इसके, तो इस फाउंड किया था विक्रम साराभाई, ये इसके फाउंडर थे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया भाई GSLV MK3 से। ठीक, अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की तो यह जियोलिसी क्रोनस सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात करूँ तो यह किया गया था PSLV C-11 से, पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं? तो देखो भाई, चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है। इसके क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटर क्या करेगा कि चंद्रमा, ये जैसे चंद्रमा है तो इसकी कक्षा में क्या लगेगा, चक्कर लगाएगा। इसके चारों ओर क्या लगेगा, चक्कर लगाएगा। अगर लैंडर की बात करूँ तो ये क्या होगा, इसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ठीक, रोवर की बात करूँ तो ये इस पर क्या करेगा, गति करेगा, मतलब घूमेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। तो चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? देखो भाई, लैंडर का नाम इसरो के जो फाउंडर थे उनके नाम पे रखा गया है। क्या थे, विक्रम साराभाई। तो लैंडर का नाम क्या रखा गया, विक्रम। अगर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 रोवर चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो किस हिस्से पर उतरेगा भाई, ये उतरेगा दक्षिण ध्रुव पर। और यह उतरते ही अगर चंद्रमा 2 मिशन कंप्लीट होता है तो प्रथम देश बन जाएगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन जाएगा पहला देश। अगर भारत के वैज्ञानिक इसमें सफल होते हैं तो कौन सा देश बन जाएगा प्रथम देश, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया? देखो, चार ऑप्शन है, एम वनीता, रितु करीधल, डॉक्टर गीता जैन। तो किसे बनाया गया अभी, या डी ऑप्शन, ए या बी दोनों। तो ऑप्शन क्या है, ए या बी दोनों, क्योंकि एम वनीता व रितु करीधर को क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एम बी दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 का कुल वजन कितना है? तो भाई, इसका कुल वजन कितना है, 3.8 टन। कुल वजन है 3.8 टन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। GSLV MK3 रॉकेट का कुल वजन कितना है? तो सिर्फ रॉकेट का वजन पूछा है, जो चंद्रयान 2 को लेके जाएगी उस रॉकेट का वजन कितना है, 640 टन। तो भाई ये ध्यान रखना है, तो 640 टन क्या है, इसका वजन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चंद्रयान 2 मिशन का कुल वजन। तो यह चंद्रयान सिर्फ मिशन था ना, उसका वजन पूछा था, तो ये कितना था, 3.8 टन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 का उद्देश्य क्या है? देखो भाई, यह जल की उपस्थिति का भी पता लगाएगा, चट्टानों में पदार्थों की जांच करेगा, चंद्रमा की ऊपरी सतह की भी जांच करेगा। तो क्या है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई? के सिवा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ भाई? कर्नाटक। तो मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? बेंगलोर। देखो भाई, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना कब हुई थी? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कब हुई थी, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? यह स्थापित है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा द्वीप के आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थापित है अभी? श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। मिशन सॉरी, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो किसके पास है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ठीक, भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया था? ये किया था 2008 में। 2008 में भी कब किया गया था? 27 अक्टूबर 2008। अगर कुल खर्चे की बात करूँ तो इस पर कुल खर्च कितना आया था? यह आया था 380 करोड़ रुपए। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 से, पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। ठीक, सॉरी, यह किया गया था 22 अक्टूबर को। कब? 22 अक्टूबर 2008। खर्च कितना था? 380 करोड़ रुपए। कौन से सेटेलाइट रॉकेट से? PSLV C-11 से। उस टाइम अगर बात करें अध्यक्ष की, ये क्वेश्चन भी पॉइंटेड है, तो अध्यक्ष कौन थे? जी माघवन नारायण, जी माघवन नारायण। इंपॉर्टेंट बात है भाई, अध्यक्ष याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो यह है 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना है? 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो यह है 384,400 किलोमीटर। बीच के मध्य की दूरी पूछे। अगर बात करूँ कि पृथ्वी की सतह से यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये यहाँ पे क्या चंद्रमा, ये इसको देखेगा तो इसका कितना भाग हमें दिखाई देगा? तो ये हमें 69% भाग इसका क्या देगा? दिखाई देगा, 59% भाग। तो 69% भाग हमें पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का दिखाई देता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह को आंतरिक स्थिति अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। तो इसे क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन ने अपना चंद्रयान मिशन चांग E-4 कब लॉन्च किया गया था? यह किया था दिसंबर 2018 में। ये भी भाई याद रखना है, कब किया था? दिसंबर 2018 में। हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेस्टिक असफल हो गया? यह किसका था? बेरेस्टिक मिशन किसका था? यह था इजराइल का। तो ये क्या हो गया? असफल हो गया। चलो अब देखते हैं कि वर्तमान में इसके साथ क्या चल रहा है, कौन सी रॉकेट थी। देखो भाई, चंद्रयान टू चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जाने वाला पहला मिशन था ये विश्व का। मिशन की खर्चे की बात करें तो कितना था? 978 करोड़ रुपए। लॉन्च की तारीख क्या थी? 22 जुलाई 2019। ये देखो भाई, अभी वर्तमान में ऑर्बिटल चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल चक्कर लगा रहा है। ये सतह से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। लगभग 10 महीनों तक क्या लगेगा? चक्कर 10 महीनों तक चक्कर लगाएगा और चांद की स्थिति के बारे में अपने को संपर्क करेगा। अगर बात करें ऑर्बिटर की मुख्य कार्य इसका क्या था, तो यह पृथ्वी, पृथ्वी में इसरो और लैंडर विक्रम के बीच संपर्क का कार्य कर रहा है, संपर्क का कार्य कर रहा है। चलो देखते हैं, ये तो अपना क्या था? उपग्रह। ये फोटो किसके? उपग्रह की। अगर लैंडर विक्रम की बात करें तो ये है लैंडर विक्रम, और लैंडर रोवर की बात करें यह है लैंडर प्रज्ञान की बात करें यह क्या है? लैंडर प्रज्ञान। अगर बात करूँ उपग्रह, लैंडर और विक्रम रोवर प्रज्ञान पर बजट कितना है? 603 करोड़ रुपए। लेकिन कुल मिशन का बजट कितना है? 978 करोड़ रुपए, क्योंकि इसमें रॉकेट भी शामिल होगी। लेकिन अगर सिर्फ बात करें उपग्रह, लैंडर विक्रम और रोवर की, तो इसका खर्चा कितना है? सिर्फ 603 करोड़ रुपए। तो ये भी याद रखें। अब देखते हैं इनका वेट,
ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसका वेट है 2379 kg। तो ऑर्बिटल का वेट कितना है, 2379 kg। अगर बात करूँ लैंडर विक्रम का, तो ये भी अलग अलग भाई याद रखेंगे, तो ये 1471 1471 kg। अगर बात करूँ मैं रोवर प्रज्ञान की, तो इसका वेट कितना है, 27 kg। तो सबसे अगर हल्का पूछे तो कौन हो जाएगा, रोवर प्रज्ञान। देखो भाई, अगर बात करूँ कि किस रॉकेट से छोड़ा गया, तो ये क्या कह सकता है, या तो कह सकता है GSLV MK 3 रॉकेट से, और इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, बाहुबली। इसे बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। तो इसके हाइट की बात करूँ कि GSLV MK 3 Mark 3 की हाइट कितनी है, 43.4 मीटर ऊँचाई है, ठीक है। चौड़ाई की बात करूँ तो कितनी है, 4 मीटर। अगर वेट की बात करूँ तो कितना, 640 टन। ये भाई चंद्रमा 2 के बारे में जानकारी, वर्तमान में क्या चल रहा है वो देखते हैं। जैसे ही विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, तो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर ही इसका संपर्क किससे टूट गया था, ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल से इसका संपर्क टूटने के बाद इसरो के पास इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ऑर्बिटल ने कल रात को ही इसकी लोकेशन के बारे में पता लगाया, लोकेशन का पता लगाया, लेकिन अभी तक इससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आगे जैसे जानकारी बनेगी हम फिर से आपको वीडियो बना के इसकी पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।